डाइनोस की वापसी इस मुकाबले में इतनी आसान होगी नहीं। खाता खुद का खुला नहीं है और गौतम जैसे डिफेंडर्स होंगे तो खोलने भी नहीं देंगे। 16 विरन्स के पक्ष में एक और पॉइंट और डाई के अंदर मेंशन सिंह का सफाया। And that's a different skill he is using. He goes for the frontal block. So we get to see a dash. We get to see a frontal block. And a lot of variations we'll get to see from Gautam. And that's a fourth tackle to him. चौथा टैकल पॉइंट आ चुका है। सवा मिनट का समय यहाँ पे भी बचा है। अंकित दैया के ऊपर डाइविंग एफर्ट दिखाने की कोशिश, आवश्यकता थी नहीं, किसी भी नजरिए से ऐसा लगा नहीं कि नितेश राय को वो एफर्ट्स दिखाने चाहिए थे। इंडिविजुअल खड़े थे, चेन खोली भी थी, डबल एंकल होल्ड के लिए चले गए, लेकिन इतना ज्यादा फासला वहां था नहीं जिसको आसानी से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के तहत तय किया गया। 16 विरन्स अब एक कंफर्टेबल लीड पे है, 10 अंकों का फासला मेंटेन कर चुकी है, जो ये 15 मिनट के हाफ में मुझे लगता है बहुत अच्छा फासला है राधिका। Now, this is what we see. All the Raiders who have come, they are right Raiders. Now, keeping in mind of Gautam, you know, they have sent a left Raider. That was Rishikesh Sharma. But then he was so strong on the footwork. Maybe he was trying to, you know, get into the left wing of the Raiding just for the sake of, you know, avoiding Gautam. And Ram Gautam ne itna kamaya hai ki unke samne aasani se aana बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और क्योंकि काजीरंगा राइनोस के ये खिलाड़ी जो नॉर्थ ईस्ट से हेल करते हैं, कबड्डी के खेल में विशेषकर इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कई बार होता है जब आप उन लाइटिंग्स के सामने नहीं खेले, जब आप मैट के ऊपर बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किए, तो शायद चीजें आपके पक्ष में जाती नहीं है। That's what the coach mentioned, is it, Ayush? That, you know, they are looking for more matches. आपने रेड कैसे शुरू हुई थी, टाइम आउट की मांग कर ली और अब 14 सेकंड का खेल खेला जाना बाकी है। 10 अंकों का फासला है, 14 विरन्स के पक्ष में है,
डिफेंडर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, रेड लगाते हुए अंकित दहिया भी कमाल कर रहे हैं, 7 रेड पॉइंट ऑलरेडी अभी तक इस मुकाबले में वो खिलाड़ी निकाल चुका है। रंजीत ने 7 अच्छा निभाया, हालांकि थोड़ा और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हाइट का एडवांटेज रंजीत उठा सकते हैं जो अभी तक उन्होंने उठाया नहीं है। वही दूसरी तरफ 16 विरन की टीम जो डिफेंस में तो ठीक ठाक नजर आई थी, लेकिन शुरुआती क्षणों में क्योंकि उनका ये पहला मुकाबला है नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स का जिनका वो इन्वॉल्वमेंट किया गया है काजीरंगा राइनोज की टीम की तरफ से, हालांकि काजीरंगा राइनोज युवा कबड्डी सीरीज का ये सिर्फ पहला एडिशन नहीं, बहुत पुराने समय से वो शुरुआती क्षणों से जुड़ती हुई नजर आई है। पर दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राकेश शर्मा इतने ज्यादा पॉइंट्स निकाल सकते हैं, क्या जेम्स उनका अच्छा साथ निभा सकते हैं, क्या काजीरंगा राइनोज एक टफ कॉल दे सकती है अपनी ओपनर 16 विरन को। तो उसी के साथ शायद पहले हाफ की आखिरी रेड की शुरुआत हुई है और वो रेड करने के लिए काजीरंगा राइनोज की तरफ से जेम्स आएंगे। डिफेंस हाउस पैक है इस पूरे पैक हाउस डिफेंस के अंदर क्योंकि इनकी हाइट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, शायद इनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि डीप जाके बोनस के लिए ट्राई मारे। अगर आप वो बोनस के लिए ट्राई नहीं मार सकते तो रनिंग टच की कोशिश की जा सकती है, फुटवर्क उसका अच्छा है नहीं तो बॉडी को थोड़ा सा बेंड करके वो टचेस लगाए जा सकते हैं। लेकिन उसी बीच एम्प्टी रेड आई है, हाफ टाइम का इशारा भी आया है। राधिका, किस तरीके से आप आंकलन करेंगी काजीरंगा राइनोज की इस पारी का पहले हाफ में? I'll say, you know, the Raiders need to step up. Defense was okay. You know, we have seen Nitish Ray going in for those tackles, but then, you know, he was unsuccessful as well. They have to, you know, keep away from those unsuccessful attempts on the Raiders because the opposite side, Chola Veeran, the Raiders are tall enough. काजीरंगा राइनोज के सामने 16 विरन्स, 18-8 से ये फासला फिलहाल 16 विरन्स के पक्ष में है। 11 अंक निकाले रेड करते हुए तो सिर्फ 2 मिले काजीरंगा राइनोज को, टैकल के 4 पॉइंट मिलेंगे 16 विरन्स को जो 4 के 4 उनके इंपॉर्टेंट खिलाड़ी गौतम ने निकाले, तो वहीं 5 पॉइंट्स मिले डिफेंस में काजीरंगा राइनोज को, अच्छा खेल रहा है डिफेंस। 2 पॉइंट मिले हैं ऑल आउट करने के और वो ऑल आउट के पॉइंट जो है वो 16 विरन्स के पक्ष में जाएंगे। एक्स्ट्रा दोनों टीम्स के पास में 1-1 है। बहरहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए इस इंटरेस्टिंग मुकाबले में।
Thank you.
अच्छा है यार। एक छोटे से अंतराल के बाद स्वागत आप सभी का। मैच नंबर 3 चल रहा है, चोला वीरन्स के सामने काजीरंगा राइनोस की टीम है। और पहले आपकी कहानी आपकी स्क्रीन के सामने है। 18-8 से चोला वीरन्स की टीम लीड कर रही है। गौतम ने 4 टैकल पॉइंट निकाल लिए हैं, सबसे ज्यादा उम्मीदें उनसे की गई थी। तो दूसरी तरफ काजीरंगा राइनोस के डिफेंस में उनके कप्तान रहमान को भी 2 अंक मिले और इकती अहमद ने अच्छा साथ निभाया। स्वागत करूंगा आप सभी का सेकेंड हाफ में और स्वागत करूंगा कॉमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ देने के लिए राधिका का। स्वागत है राधिका। राधिका का शायद ये मानना होगा कि पहले हाईलाइट्स खत्म होगी उसके बाद में राधिका आएंगी, वो थोड़ी जो चीजें हैं ना उनको लाइव दिखाएंगी। लेकिन फिलहाल वो हाईलाइट्स वो दृश्य आपको दिखा देते हैं और रिमाइंडर याद दिला देते हैं किस तरीके से चोला वीरन्स की टीम ने ना सिर्फ डिफेंड करते हुए बल्कि रेडिंग स्किल्स भी दिखाते हुए अच्छे एस्केप रूट्स ढूंढते हुए अपनी ओपोनेंट काजीरंगा राइनोस जिसमें ज्यादातर खिलाड़ी नॉर्थ ईस्ट से आए हैं उनको छपाया है, उनको पूरी तरीके से मैट के ऊपर थकाया है। चलिए स्वागत करते हैं राधिका। लाइव इवेंट अभी तक शुरू हुआ नहीं है लेकिन चलिए लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि यदि आप गौतम के सामने पकड़ा नहीं जाना चाहते तो स्ट्रेट अवे टारगेट करने की कोशिश कीजिए। वो जो एरिया राइट कॉर्नर का है उस तरफ हो सकता है कि गौतम आपको थोड़ा सा छका दे, लेकिन फिर भी इस तरीके से ये बैटल जीती नहीं जा सकती। 4 का डिफेंस है, चोला वीरन्स रेडिंग में लगातार पॉइंट ला रहे हैं, इस बार फिर लाएंगे जर्सी नंबर 1 जेम्स जो कि उनके अहम रेडर है उनको बाहर कर जाएंगे। अच्छी शुरुआत नहीं हुई है काजीरंगा राइनोस के लिए, निश्चित तौर पर अच्छी शुरुआत नहीं है राधिका। Yeah, and this raider Ranjit, who's been supporting the lead raider Ankit, and he starts off with style again. That was a good touch point for him. And as we see, it's the right raider, left raider. The threat is coming from the covers of Chola Veerans. Is it Irish? Lovely block. Rishikesh. उनको पता ही नहीं चला, ऐसा पूछा होगा कि ऋषिकेश की पहाड़ियां जो है वहां से ऊपर से नीचे कैसे उतरा जाता है, तो डिफेंस ने बताया इस तरीके से विद इन अ सेकंड, नो नॉट अलाउड, कम ऑन ऐसे नहीं कर सकते आप। 12 अंकों का फासला हो चुका है, 13.5 मिनट के लमसम का खेल खेला जाना बाकी है। काजीरंगा राइनोस एक और ऑल आउट के करीब है जरूर, कितने पॉइंट, सिर्फ 1। काजीरंगा राइनोस, दे हैव डन वेल इन अ सुपर टैकल सिचुएशन ट्वाइस बिफोर दिस, बट देन नॉट दिस टाइम अराउंड। दिस रेडर हु इज सो सो अजाइल
and he anticipates very well the movement of the position of the defense. It is lovely escape that was. बहुत अच्छा एस्केप था और उनके सामने इकती अहमद खड़े थे जिन्होंने सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं। तो दूसरी तरफ इरंजीत सिंह जो अपनी पहली रेड के ऊपर इनफैक्ट अभी तक पॉइंट मिला नहीं, गए जरूर थे, ऑल आउट के तौर पे बाहर आना पड़ेगा। तीन महत्वपूर्ण पॉइंट निकाले हैं, चोला वीरंस को ड्रीम स्टार्ट मिली है। And I think was that an high five for Gautam because he was on the right cover. Let's see who has initiated the tackle first. Gautam. A lovely move. Yeah, then that should be a high five for Gautam. Is it in the first match? Rittler Reyes, पहला ही मुकाबला, गौतम 100 से ज्यादा पॉइंट है टैकल के अंदर और पहले मुकाबले में क्या शुरुआत दी है। डिफेंस बढ़िया से डिफेंस से टाइमर्स ठीक है इधर इधर डिफेंस ठीक है ठीक है ये जंप करी जाओ मुकुश नहीं जंप करी जाओ तो मैं कंट्रोल में मेरी से था ना ब्लॉक कोई लो भी ठीक है इधर Ayush, now what I thought, you know, the coach was good enough to say to Kaziranga Rhinos that they have done well in the defense, but the Raiders need to step up to face this defense, who is Gautam Murugan, who is in the right cover. Five tackle attempts, five tackle points, no mistake whatsoever. Brilliant captain. जबरदस्त दिन रहा है बतौर कैप्टन, अपना पहला मुकाबला गौतम खेलते हुए नजर आए। उनकी कप्तानी में ना सिर्फ वो खुद बल्कि उनकी टीम भी अच्छा कर रही है। अंकित ने रेड करते हुए एक आसान सा पॉइंट चुराया। काजीरंगा राइनोस के लिए ऋषिकेश पिछले एक मिनट में दो बार बाहर जाते हुए नजर आए हैं, ऑल आउट भी देखा है काजीरंगा राइनोस ने। मेंशन जिन्होंने अभी तक अपने आप को उतना प्रभावी साबित नहीं किया है, डिफेंडर्स को नकाराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज्यादा डीप अभी तक गए नहीं है, पॉइंट नहीं मिलेगा, एंकल होल्ड, मेंशन बाहर। I mean, his focus was on Gautam, but then look at the difference now. They have shared the responsibilities. When he was looking at Gautam, the left corner goes for the angle hold and Gautam finished it off with a dash. Lovely combination, the left corner and the right cover. And Gautam, this season around, as we see, you know, this is the very first time he is taken up the captaincy duties as well. He's gone a lot more calm, no mistakes whatsoever. इरंजीत सिंह ने खाता खोला है, इनिशिएशन उन्होंने दिखाया था, एंकल होल्ड उन्होंने इनिशिएट किया था, इनकी पोजीशन के ऊपर से वो सरप्राइज टैकल के लिए चले गए और फिर कॉम्बिनेशन दिखाया काजीरंगा राइनोस के डिफेंस ने। मान के चलिए काजीरंगा राइनोस का डिफेंस ठीक कर सकता है, हर बीतते मुकाबले के साथ आपको इस टीम का डिफेंस और स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी खामी डिफेंस है, डुबकी लगाई स्वयं डूब गए। Brilliant anticipation that the Raider would just march in blindly towards the corner. So they had their trap ready. And Ankit, in the meanwhile, goes for a toe touch. I'm sure he will get closer to the Super 10 as well, Ayush. अंकित दैया सुपर 10 के पास में जाते हुए आपको निश्चित तौर पर नजर आएंगे, 9 पॉइंट निकाल चुके हैं, ये लीजिए 10वां हो गया। इकते बाहर सुपर 10 कंप्लीट कर लिया, क्या दिन रहा, चोरा वीरंस के कप्तान हाई फाइव, उनके सबसे इंपॉर्टेंट रीडर अंकित दैया सुपर 10, पहला ही मुकाबला, अभी तो 10 मिनट का खेल और खेला जाना बाकी है। एंड वी आर स्टिल वेटिंग टू यू नो गेट अर्जुन राठी ऑन द मैट एज वेल इन दिस टूर्नामेंट, इज इट फॉर चोला वीरंस, दैट्स व्हाट द कोच जय कुमार हैज सेड। जैसे कोई मूवी रिलीज होती है ना उसका हम इंतजार करते हैं हर फ्राइडे, वैसे ही 30 तारीख को ये मूवी के अंदर परिवर्तन होगा, इनका वो सुपरस्टार आएगा अर्जुन राठी और फिर वो अपने कर्तव्य दिखाएगा। लेकिन डिफेंडर्स आज अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं, चोला वीरंस आज अलग क्लास का खेल खेल रही है, काजीरंगा राइनोस को बताती हुई नजर आ रही है कि जब आपने ये शुरुआत की है हम शायद उसकी पीएचडी तक पहुंच चुके हैं। ब्रिलियंट, यू नो मिस्टेक्स They are not in the question for Chola Veerans today. The Raiders are doing a phenomenal job, especially, you know, Ankit Daya. And the defense has come to the party as well, along with Gautam. This is Ankit Daya, as we have mentioned in the first match itself, a super 10. And it's a hat-trick super attack, Il for Kaziranga Rhinos. Super tackle, 2 points, Kaziranga Rhinos. Iranjit Singh.
अपना दूसरा टैकल पॉइंट निकालेंगे एंड व्हाट अ स्टार्ट दिस गाय हैज गॉट। ऑल ऑफ अ सडन कहीं नहीं लगा था पूरे मुकाबले में पहले हाफ में कि ये खिलाड़ी एक्शन के अंदर है, लेकिन पिछली दो बैक टू बैक रेड्स के अंदर जब जब इन्होंने दावा बोला है ये इंश्योर किया कि इन्होंने रेडर की रेड को तोड़ा है। मेंशन सिंह इनको भी अब वो दारोमदार निभाना पड़ेगा। आप लगातार इस तरीके से बाहर होके अपनी टीम को अकेला छोड़ नहीं सकते। आप उन खिलाड़ियों में से जिसको पॉइंट अभी तक अपनी टीम के लिए मिला नहीं है, रेड्स बहुत ज्यादा लगा ली है। जितना ज्यादा समय आप व्यर्थ करेंगे मान के चलिए चोला विलन्स के डिफेंडर्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगे। एम्प्टी हैंडेड वापस। डेफिनेटली काजीरंगा राइनोज डिफेंस इज गुड इनफ टू फेस एनी काइंड ऑफ रेडर्स, बट देन दे नीड टू वर्क ऑन द रेडर्स। आई अंडरस्टैंड दे हैव द स्पीड नॉट सो मच एज द रीच ऑफ द अदर प्लेयर्स, बट देन दे नीड टू वर्क ऑन देयर स्किल सेट। इफ दे आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग दे नीड टू वर्क ऑन इट। डागर जो कि तीसरे रेडर है चोला विलन्स के, उन्होंने अपने रोल को अच्छे से समझा है। बहुत ज्यादा रेडा लगाई नहीं, एक पॉइंट जरूर निकाला था, लेकिन उसके बाद ज्यादातर जो भूमिका है वो अंकित दहिया ने निभाई है और रणजीत ने उनका एक अच्छा साथ निभाया। वहीं दूसरी तरफ मेंशन सिंह जो बैक टू बैक रेड्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं, काजीरंगा राइनोज के पास बहुत ज्यादा चारे बचे नहीं है और उसमें से आपको तरकश में से कोई ऐसा तीर निकालना पड़ेगा जो सटीक निशाने में लगे। हालांकि मेरे लिहाज से ये मुकाबला निश्चित तौर पे चोला विलन्स के पक्ष में बहुत ज्यादा झुक चुका है। Exactly, and look at the frontal block. What a solid block coming in from the right cover. You know, that's what happened when the Raiders goes for the, you know, to and fro moment of the similar skill. You know, brilliant frontal block coming in. That's a lovely solo tackle. अभिजीत डागर बैक टू बैक रेड्स लगाते हुए बहुत ज्यादा इन्हें देखा नहीं है, लेकिन अब इनको भी प्रैक्टिस की लगाई जा रही है। वो जो मैट प्रैक्टिस जिसे आप कहते हैं ना कि मैट के ऊपर का एक्सपीरियंस आगे जाके काम आता है, चोला विलन्स अब ये समझ चुकी है कि मुकाबला उन्होंने जीत लिया है, तो क्यों ना अपने उन खिलाड़ियों को भी मैट प्रैक्टिस कराई जाए जिन्होंने आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा रेड या बहुत ज्यादा डिफेंस किया नहीं है। या हो सकता है कि डू और डाई की वो जो स्ट्रैटेजी है वो भी चोला विलन्स बना रही हो। बातों ही बातों में समय हो चुका है इन बातों को थोड़ा सा थामने का, क्योंकि कुछ किया जाएगा, कुछ एक्शंस, कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। क्या काजीरंगा राइनोज कोई सब्स्टिट्यूशन देख रही है या फिर वो टाइम आउट में कुछ डिस्कशन करेंगी? Strategic timeout, they need to discuss those strategies, what's going wrong against them. Yeah, but depends on the catch, karna to under edge karna nahi karna ye galat jana ko pata hai. Ha ha, time use karna main rega, time use karna to the area rega. Ha okay, ha andar karla hai tambi, ha matra bon pura kal kudga da kal kudga da side toti valada kudga, ha Gautam red use area rega me area rega, ha ஒன்று பணம் வரவில்ல புரியுதா, வரவில்ல ஆ பயப்படணும்ல, இந்த பயத்தை ஒன்று நீ வந்து பயன்படுத்தணும். ஆ தப்பு நிறையா இருக்குது. ஆ அப்படியே ஆ பார்த்து அவ்வளோதான். ஆ பிரச்சனை. अच्छा हुआ ये सारी की सारी बातें जो चोला विलन्स के कोच ने कही वो काजीरंगा राइनोज की टीम के प्लेयर्स को लैंग्वेज बैरियर की वजह से समझ नहीं आ रही होगी, वरना पहले ही उनको उनकी टीम का खेल समझ में नहीं आ रहा, फिर ये स्ट्रैटेजी अगर नहीं समझ में आती तो मानसिक तौर पे दबाव पड़ता है ना राधिका। You know, he was mentioning about everybody, so that gives an equal space for all the players, is it? और ये इम्पोर्टेंट भी है, कोच की यही भूमिका रहती है कि टीम चाहे अपने एक अच्छे मुकाम पे हो या फिर वो नीचे की तरफ आ रही हो, आपको हर प्लेयर के साथ में बातचीत करनी पड़ेगी। डू और डाई की सिचुएशन थी, ऐसा लगा ही नहीं। जिस पेस के साथ में चोला विरन के खिलाड़ी ने उनके ओपनिंग टीम के कप्तान मुकिबुर को बाहर किया, एक आसान सा टच मारा, तीन खिलाड़ी थे, सुपर टैकल की सिचुएशन थी, पहले नहीं दूसरे अटेम्प्ट में वो टच सक्सेसफुल, उसी के साथ एक और पॉइंट चोला विलन्स के पक्ष में, 30 पे पहुंच चुकी है इनकी टीम। वहीं दूसरी तरफ काजीरंगा राइनोज 11 पे और वो एड ऑन हो चुका है 31 ही रहेगा या 12 हो जाएंगे। एग्जैक्टली, दैट्स द कोच हैज मेंशनड, यू नो, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ ओनली देन गो फॉर दोस टैकल्स, दैट्स व्हाट कोच जय कुमार हैज सेड, बट देन वांटिंग टू गो फॉर अ बैक होल्ड, बट देन लवली एस्केप, ही हैज सीन द डिफेंस कमिंग, क्या तीसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? इस बार रेडर जो है वो लगातार जाते हुए आपको नजर आएंगे जर्सी नंबर 6 यानी कि रंजीत के पास में, जिन्होंने अपने डिफेंस के चलते 3 पॉइंट निकाले थे, लेकिन शिकार किसको बनाया? नितिश रॉय को। एक समझदारी भला फैसला,
दाएं से बाएं शफल करते हुए जो खिलाड़ी आपके बहुत ज्यादा करीब है उसको आप टच मार लीजिए, उनका पीछा हटना आसान रहेगा नहीं। Just one red point for Ranjit Singh, the raider. So that's what the Kaziranga Rhinos are lacking. Now, this is the very first pass. They need to understand where they are falling short. Of course, they are falling short in the raiding unit. They need to have a combination of right and left raiders. And also, they need to work upon their speed as well. Speed to achhi dikhai hai Chola Birans ki team ne. ना सिर्फ डिफेंस में बल्कि लीडर्स ने भी अपना अच्छा काम किया है। रंजीत जो कि ऑलरेडी इस मुकाबले में 6 पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाल चुके हैं वो ऑल आउट में इन्फ्लिक्ट करना चाहेंगे, साथ ही साथ और पॉइंट लाना चाहेंगे। ये लीजिए 8 पे पहुंच जाएंगे और 2 अतिरिक्त अंक ऑल आउट के मिल जाएंगे। काजीरंगा राइनोस का ये तीसरा ऑल आउट है यदि मैं गलत नहीं हूं तो। Exactly, this is what we have seen. The reach of the raider is so good, he turns and tumbles to the midline. So, yeah. Good escape, and he will also get closer to Super 10, is it, Arish, after this? He's got about 8 raid points. और सबसे अच्छी चीज ये कि बहुत रफ्तार में वो अंक आए थे, उसको आप मेंशन कर लीजिए कि उनके पॉइंट रेड में है। तो रणजीत ने डिफेंस के अंदर भी पॉइंट निकाल लिए, इनकी पोजीशन के ऊपर से वो चेन को तोड़ा, एंकल होल्ड की, काजीरंगा राइनोस के रेडर को बाहर की राह दिखाई। That's James Faraj, and they know that the Gautam is there. So that gives more confidence in the rest of the defense as well, Ayush. You know, because he's just not only, you know, going for those tackles, but he's always there when somebody else goes for the tackles as well to support that tackle. Rishikesh ko bahar bheja, Vikram Nath ko andar bulaya gaya hai. Ye substitution Kaziranga Rhinos ne kiya hai. अब देखना ये कि क्या ये सब्स्टिट्यूशन काम कर पाएगा या फिर चोला वीरंस का खेमा उसी तरह अंक लाएगा, अंक मिलेगा। कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर काजीरंगा राइनोस ने रणजीत सिंह का शिकार किया है, उनको मैच से बाहर किया है। डिफेंस अच्छा कर रहे थे लेकिन पिछले बार खुद के जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाए। हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, उन्हें कंफ्यूजन था, पता ही नहीं था राधिका एग्जैक्टली करना क्या है। Different to move coming in from the radar, and I don't want Gautam to lose on this one. What a solid! He wanted to go for a thigh hold, but then somehow slipped, went in for that ankle. The grip of this, the power of Gautam is so strong that whatever be the tackle, once the radar comes into the contact of the clutches of Gautam, there is no way to escape this attack. पहाड़ों की जैसे चट्टानों की तरह उनके strong लगती है बाजुएं। जैसे ही वो होल्ड करने के लिए जाते हैं अद्भुत कमांड पाते हैं, इक्ति को बाहर जाना पड़ेगा। काजीरंगा राइनोज ऑलरेडी कुछ भी आज के दिन इस मुकाबले में उनके पक्ष में गया नहीं है। डिफेंस में 4 खिलाड़ी थे, दाएं से बाएं अंकित ने जाने की कोशिश की, इक्ति ने सेल्फ कॉम्प्रोमाइज किया और बाकी डिफेंडर्स को कहा मैं अकेला बाहर जा रहा हूं, आपको आने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन अब यहां से पूरी तरीके से तितर बितर हो चुकी है काजीरंगा राइनोज की टीम, ना सिर्फ डिफेंस बल्कि रेडर्स भी। And not even a single raid point. He's just, you know, not using the time properly there. You know, he's just going against the team's interest. It is going for those empty raids every now and then is definitely not wise. 1 point. Chola Virans, number 8 out. Well, Chola Virans is taking a lot of points over there. On the other hand, Manchin Singh will be thinking, you should have been giving that hats off to my consistency. Like going in there for 10 or 12 times, not even getting a single point. How consistent I am. But then that's not a good sign for Kaziranga Rhinos, it is, Ayush. Because, you know, the number of raids you are taking and everything is an empty raid or you've been tackled, you know, it doesn't help the team at all. और साथ ही साथ मोराल भी डाउन होता है आपके डिफेंडर्स का कि हमारे रेडर्स ज्यादातर रेड लगाने जाते हैं, एम्प्टी हैंडेड आते हैं, डिफेंस के अंदर इतना सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, तो कितने पॉइंट्स आप डिफेंस में निकाल सकते हैं। और याद रखिए, खेल कोई भी हो उसके अंदर एक एस्पेक्ट ऐसा होता है जो आपको मल्टी पॉइंटर रेड्स निकाल सकता है, मल्टी पॉइंट्स दे सकता है, या क्रिकेट के खेल में आप कह लीजिए बल्लेबाज एक साथ वो फासला कवर कर सकता है। वैसे ही रेडर्स जब तक पॉइंट नहीं लाएंगे काजीरंगा राइनोस का, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है।
at least, you know, they should go for those quick empty raids and only work on the two-order raid. If you're not confident enough in raiding, work on your defense. Play on your defense. And the two-order raid has come up for Kaziranga Rhinos and Nikki Shirey. And even he, but no points whatsoever. And Gautam, what a superstar to finish it off, is it? Ayush? 3 points. Gautam ki jitne tarif ki jaye utne kam hai. इनकी तारीफों के पुल बनाए जाए तो कम है, पहाड़ बनाए जाए तो कम है, आप जो करना चाहें वो कर लीजिए, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड के साथ ये खेलते नजर आ रहे हैं और मुझे तो साफ साफ प्रतीत होता नजर आ रहा है राधिका, आपको भी याद होगा 50 से ऊपर खिलाड़ी जो कि YKS से निकले हैं वो प्रोफेशनल लीग में परफॉर्म करते नजर आए हैं और गौतम बहुत ज्यादा दूर आपको नजर नहीं आएंगे। मैच जो है वो समाप्त हो चुका है, चोला वीरन्स के पक्ष में गया अपना पहला मुकाबला युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन 2023 का। चोला वीरन्स ने अपने ओपोनेंट काजीरंगा राइनोस को एक बड़े मार्जिन के साथ 45-12 के मार्जिन स्कोर लाइन के साथ में अपने नाम किया है। गौतम ने फिर वो कप्तानी पारी खेली है जिस डिफेंस के लिए वो जाने जाते हैं, आज एक बार फिर उसका इंपॉर्टेंट वो नमूना पेश किया है, 8 पॉइंट डिफेंस के अंदर निकाले। वही रंजीत और अंकित दहिया ने एक सुपर कॉम्बिनेशन दिखाया रीडिंग्स के अंदर, इन टोटल 22 अंक निकाले और काजीरंगा राइनोस को एक ऐसे पोजिशन के ऊपर धकेल दिया कि वहां से वो कभी वापसी ना कर पाए। Exactly, two super tens and one high five in a single match, and that too in the first match of the summer edition for Chola Veerans. So long way to go for these lads here, and we have seen Chola Veerans growing leaps and bounds from the season to season. And Gautam, for the first time captain, he's been phenomenal. और वहीं दूसरी तरफ काजीरंगा राइनोस के रेडर्स को कुछ ना कुछ तो तलाश करनी पड़ेगी। आप एम्प्टी रेड्स भी कितने मुकाबलों तक लगाएंगे, यदि आपको वो ट्रॉफी की तरफ जाना है, वो आखिरी स्टेज के ऊपर वो लास्ट समिट राउंड खेलना है, तो सिर्फ एक ही उसका सहारा है, वो ये है कि आपके रेडर्स पॉइंट लाए। आप खुद को ये दिलासा नहीं दे सकते कि हम वहां पॉइंट नहीं निकाल सकते, तो सिर्फ और सिर्फ वो शॉर्ट रेड लगाएं। राधिका, रीजन बीइंग कि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और जब तक आप डीप जाते हैं, इस सीरीज के अंदर बहुत डीप जाते हैं, एक आधा दिन आपका खराब रह सकता है, लेकिन हर मैच यदि आप ऐसे खेलेंगे तो सॉरी डूड, यू आर आउट ऑफ दिस। एग्जैक्टली, दैट्स अ बिग लेसन दे नीड टू लर्न गोइंग फॉरवर्ड। 45-12 इन फेवर ऑफ चोला वीरन्स। व्हाट अ वे टू फिनिश द फर्स्ट मैच ऑफ दिस एडिशन। 23 रेड पॉइंट्स, 13 टैकल पॉइंट्स, 8 ऑफ देम कमिंग फ्रॉम द कैप्टन, यू नो, 4 ऑल आउट पॉइंट्स, यू नो, एवरीथिंग वेंट इन फेवर ऑफ चोला वीरन्स। आयुष, 8 पॉइंट निकाले हैं रेड करते हुए, सिर्फ 3 पॉइंट मिले हैं काजीरंगा राइनोस को, जिनमें से 8 तो चोला वीरन्स ने ऑल आउट के ही निकाल लिए थे। एक बहुत बड़ा लेसन है, सीखना पड़ेगा। हम सब मानते हैं कि फर्स्ट जो डे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार दबाव हर कोई सहन नहीं कर पाता, लेकिन अंकित दहिया ने सहन किया है, 14 रेड्स लगाई थी इन टोटल, अपनी टीम के लिए 12 रेड पॉइंट लाए। स्ट्राइक रेट देखिए 85 का, सुपर रेड में इन्वॉल्वमेंट था नहीं और आवश्यकता भी नहीं थी, जिस गति में चोला वीरन्स के पक्ष में मैच चल रहा था सब कुछ सटीक होता हुआ। This is Gautam Murugan for us. He's been growing since the time we have seen him on the mat of Yuva Kabaddi. First and captain, 6 tackle attempts, 6 tackle points, no super tackles, but then every single time it was 100% tackle strike rate, and he was there when the support was needed for the team. आज के दिन में वो जो 3 मुकाबले हो चुके, पहला मुकाबला जो कि खेला गया था रावली एरोज, उनके सामने पैविय पैंथर्स की वो टीम आई थी, आज का दूसरा मुकाबला जो अभी आपने विटनेस किया चोला वीरन्स के सामने काजीरंगा राइनोस की टीम आई थी, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है, करनी आपसे बहुत सारी बातें। पन्नी टस्कर टकराएगी सिंसोनिक्स उनके सामने आएगी, हम्पी हीरोज का सामना होगा चंबल चैलेंजर्स से, डेब्यूटेंट ये टीम है, क्या पहला मुकाबला जीत पाएगी? रावली एरोज के सामने नीलगिरी नाइट्स, ये भी एक डेब्यूटेंट टीम है, तो इंप्रेशन जो है वो बनाया जाएगा। एक थोड़ा सा सडन सरप्राइज आपके लिए है, वो ये है कि डेब्यूटेंट्स को लास्ट में खिलाया जाएगा और उसके चलते उनको वो जो एक्सपीरियंस है वो क्या देखते देखते आएगा, कई सारे सवाल है, लेकिन आप जाइए मत, बने रहिए युवा कबड्डी सीरीज के साथ, फैन कोड के साथ, क्योंकि कबड्डी का लाइव एक्शन आने वाला है। मैच नंबर 4 के तहत पल्ली टस्कर्स के सामने सिंसोनिक टकराने वाला है, मुलाकात आपसे दोबारा होगी, मैसूर से हम लाइव जुड़ेंगे 4:15, समय नोट कर लीजिएगा, अलार्म लगाइएगा 4:10 का, क्योंकि प्री शो भी आपको मिस नहीं करना है, स्टे कनेक्टेड।
So Chola Veerans started their campaign with a win. Welcome to the post-match presentation of match number 3 of Yuva Kabaddi Suri Summer Edition 2023. First, we would like to thank our partners, our broadcast partner, Fancode Fantasy partner, Dream 11, our physio department, Department of Sports Science, JSS College of Physiotherapy, our hospitality partner, Ginger Hotel, our healthcare partner, Caring Touch. In the presentation today, we have a smiling SSA face, Mr. Bipin Kumar Singh, sir, General Secretary Kabaddi Association of Jharkhand. A huge welcome in the post-match presentation, sir. खेला गया चोला वीरंस बनाम काजीरंगा राइनोस और चोला वीरंस ने बताया कि पूरी तरह से तैयार होकर ये टीम आई है इस बड़े सीजन को अपनी तरफ ले जाने के लिए 45-12 इस मुकाबले को जीता और सीधा चलते हैं अवार्ड्स की तरफ और अवार्ड्स की शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रीडर ऑफ द मैच के साथ जो रहे चोला वीरंस के अंकित थैया जिन्होंने प्राप्त किए 12 रेड पॉइंट्स आइए देखते हैं कि रेड पॉइंट्स Now the time for the best defender of the match. Mark my words, he is back with prime form. Chola Veerans captain Murgan Gautam jinhone prapt kiye 8 tackle points. Aaiye dekhte hain ki damdar tackles ko. And along with Ankit Thaya, one more player scored a high super 10. And he's Ranjit from Chola Veerans. For that, he will get the award of Kabaddi Kamal of the match. So, aaiye dekhte hain ki bhi shandar pradarshan ko. So well played, Chola Veerans aur Kaziranga Rhinos se aur behtar karne ki aane wale samay mein umeed rahegi. Thank you so much. That's all from the post-match presentation.